नमस्कार मित्रों, हम लेक्चर 4 स्टैंडर्ड 10 कंस्ट्रक्शन आपको बहुत अच्छी लगती है एक्सरसाइज 11.11 का क्वेश्चन 4 लेंगे। मैं एक क्वेश्चन वन टाइम ही लेता हूँ फिर दूसरा लेक्चर, क्योंकि आपको समझ में आया इसीलिए ऐसा करना चाहता हूँ मैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ है नहीं। सबसे पहले हम दो चीज़ें लिखते हैं, इसके मार्क्स मुफ्त के होते हैं तो लिखना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ लिखना ही चाहिए। कंस्ट्रक्ट क्या करना है? ओके, वेरी नाइस, ऐसा भी चाहिए कंस्ट्रक्शन। देखो यहां तक से यहां तक वो क्या है, गिवन है, डेटा है, जो भी समझो वो है। आइसोसेलेस हुज बेस एट सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। पहला कंस्ट्रक्शन आइसोसेलेस ट्राइंगल करना है, उसका बेस 8 सेंटीमीटर है, अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। ओके, कर देते करते, टेंशन मत लो। फिर क्या है, अनदर ट्राइंगल अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 1.5 टाइम्स corresponding sides of IMP construction isosceles triangle। अभी और एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, आपको बताए टाइप 2 का है भाई, कैसा है टाइप 2? फिर आएंगे स्टेप्स, फिर जस्टिफिकेशन और यहां कंस्ट्रक्शन। मैन तो कंस्ट्रक्शन ही है, ये भी सब मैन ही है, स्मॉल टाइम भी IMP है। हा, सबसे पहले क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का हम लगते हैं 8 सेंटीमीटर का हम नीचे रख देते हैं। मैं थोड़ा बड़ा करने वाला हूं, बेस 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ करूंगा मैं। डोबी 8 सेंटीमीटर एंड अभी क्या बोला है उसने, आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज बेस 8 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड। अभी करना क्या है हमको, बाइसेक्टर करना, अल्टीट्यूड बनाने के बाइसेक्टर बनाना होगा, बाइसेक्टर बनाना होगा भैया, बाइसेक्टर यानी कि इसके आधे से ज्यादा हमको बाइसेक्टर यानी क्या हो देता था, देखो देखो देखो, देखो। बाइसेक्टर बनाना है, ऐसा मैं ऊपर आर लगाऊंगा, सेम टू सेम में नीचे आर्क लगाऊंगा, ऊपर आर्क लगाऊ, सेम टू सेम में नीचे आर्क लगाऊ, इधर आ जाऊंगा, बैलेंस नहीं हो रहा भैया, इस पे रख देता हूँ खींचे में। अभी देखो ऐसे मैंने ऊपर लगाई आर्क, नीचे लगाई, रेडी। बी से मैंने ऊपर नीचे लगाई और इंटरसेक हो रहा है, पर हमको तो अल्टीट्यूड ही बनाना है भाई और बहनों, अल्टीट्यूड ही बनाना है, सिर्फ अल्टीट्यूड ही चाहिए।
देखो हो गया, ऐसा अल्टीट्यूड ही बनाना है मेरे को, दूसरा कुछ करना नहीं है, अल्टीट्यूड ही बनाना है। बना दिया, अब इसको ज्वाइन कर दो। वो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये कितने का होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वो उसका ही उतना ही होता है, 100% श्योर। ओके, और हमको ये चाहिए नहीं। हो गया इतना। एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड देयर इंटरसेक्ट पॉइंट सी एंड मेक ट्राइंगल ए बी सी। हो गया। एंड इसका नाम दे दो, इसका डी दे दो। सी डी होगा 4 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड। हो गया, उसने बोला था अल्टीट्यूड, तो पहला मेरा गिवन वाला तो हो गया है। आगे की बात करते हैं। अभी हमको करना क्या है? तो भाई ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ही बोला था ना, ये आइसोसेलेस ही ट्राइंगल है। मेक एंड क्या मिलता है? गेट आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी एंड सीडी इज अ 4 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड। हो गया इतना। आगे की बात करता हूं मैं। नाउ ड्रॉ अल्टीट्यूड एंगल इन लोअर प्लान एंगल एंगल को पता है अल्टीट्यूड एंगल बी ए एक्स हो गया। बी ए एक्स यहां एक्स रख दो, लोअर प्लेन बी एक्स, बी ए एक्स हो गया। अभी कितना करना है देखो, 1 1/2 यानी कि 3/2 हुआ। टोटल कितने आर्क लगाने हैं? सेम टू सेम, सेम टू सेम, एक दो तीन इक्वल पार्ट हुए ए टू ए थ्री। एंड मेक 3 इक्वल पार्ट्स। चलो हो गया। अब ज्वाइन किसको करना है? मैंने बोला था लास्ट टाइम भी बोला था, आपको ज्वाइन किसको करना है? जो नीचे होते हैं, नीचे क्या है? दो, उसको इसके साइड ज्वाइन करना है। हो गया ज्वाइन बी एन ए टू। अब ए थ्री का भी ऐसा बनाना है हमको, तो एक नया ट्रायंगल बनेगा। एक नया ट्रायंगल बनाने वाला है, बनने वाला है। ये तो आप हर बार कहते हैं ऐसे ही सेम टू सेम, आपको करना कुछ नहीं है, सेम टू सेम। ऐसा अपने तरह से आर्बिट्री कुछ रेडियस ले लो, आर्क ले लो अपनी तरह से, सेम टू सेम ए टू पे रखो ए सपोर्ट और ऐसा ड्रॉ करो, सेम टू सेम ए थ्री पे ड्रॉ करो ऐसा। रेडी?
पहले ए टू पे ड्रॉ करो, फिर ए थ्रू पे सेम टू सेम ड्रॉ करना है, ए टू पे और ए थ्री पे सेम टू सेम ड्रॉ करना है। अभी देखो ये मेजरमेंट ले लिया, सेम टू सेम मेजरमेंट ले लो, बस पैरेलल ड्रॉ कर दो। इसको नाम दे दो बी डैश। तो क्या बोलाना है, ड्रॉ ए टू बी पैरेलल ए थ्री बी डैश, हो गई है इतना ड्रॉ। और भी ड्रॉ करना है अभी, अभी ड्रॉ करना ही होगा भैया इसका। सेम टू सेम ले लो, इधर बी पे रखो, आकर ड्रॉ करो, इसी तरह यहां पे रखो, आकर ड्रॉ करो, जितना यहां आर्क ड्रॉ किया इतना ही आर्क ड्रॉ करना है। और मेजरमेंट ले लो, चले नहीं आता निकाल दो, हम क्या कहते हैं निकाल दो, थोड़ा बड़ा ले लो, इसमें थोड़ा हम कुछ बड़ा है, बड़ा ले लो। अभी देखो ये मेजरमेंट ले लिया, सेम टू सेम यहां मेजरमेंट ले लो, ले लिया, पहले यहां ड्रॉ किया, यहां ड्रॉ किया, अभी सेम टू सेम मेजरमेंट ले लिया। अब तो आपको माइंड में हो गया होगा कुछ नहीं है, सेम टू सेम। सेम टू सेम हो गया, भी ट्राइंगल बनाना है ना भैया, ये लंबा खींचना पड़ेगा। यहां कौन सा पॉइंट आया, सी डैश, सिंपल ड्रॉ बी सी पैरेलल बी डैश सी डैश एंड गेट ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश, सेम टू सेम ट्राइंगल मिल गया। और अब जस्टिफिकेशंस, ड्रो ट्राइंगल लेना है, ये बी सी ए बी डैश सी डैश, सिंपल सी बात है, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी उसके बेस पे करना है, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ऊपर बड़ा है ना तो हमको बड़ा लेना है, ए एस सी डैश, ए सी डैश अपॉन ए सी, फिर क्या है बी डैश सी डैश, नीचे बी सी, ए बी डैश नीचे ए बी, थ्री बाई टू, इतना एंगल एंगल सिमिलरिटी, बस खत्म। देख लीजिए बस इसी तरह का कंस्ट्रक्शन है हमारा, सब आ गया, डेटा गिवन कंस्ट्रक्शन स्टेप जस्टिफिकेशन कंस्ट्रक्शन, तब चार हमारा मिलता है, ऐसे नहीं मिलते भाई, मेहनत करनी पड़ती है। जय हिंद जय भारत, डाउट तो बोलना।